वेलकम टू द बॉक्स ऑफिस कलेक्शन शो विद अजय यादव। दोस्तों, आज के वीडियो में हम जानने वाले हैं गदर एक प्रेम कथा का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन अवार्ड्स और इस फिल्म से जुड़ी हुई बहुत सारी अननोन फैक्ट्स, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। दोस्तों, फिल्म गदर एक रोमांटिक एक्शन ड्रामा फिल्म थी जिसे बॉक्स ऑफिस पे 15 जून 2001 को रिलीज किया गया था इंडिया में 350 स्क्रीन्स पे। फिल्म में लीड रोल में थे सनी देओल, अमीषा पटेल, अमरीश पुरी, विवेक, उत्कर्ष शर्मा और सुरेश ओबेरॉय जैसे बेहतरीन कलाकार। फिल्म को डायरेक्ट किया था अनिल शर्मा ने और वहीं फिल्म को प्रोड्यूस किया था निखिल केनी ने। बात करते हैं फिल्म की स्टोरी और फिल्म का डायलॉग लिखने का काम किया था शक्तिमान तलवार ने। फिल्म का म्यूजिक था उत्तम सिंह का और फिल्म के लिरिक्स लिखे थे आनंद बख्शी ने, जो कि काफ़ी कमाल थे। दोस्तों, बात करते हैं फिल्म के बजट और कलेक्शन के बारे में। तो फिल्म का फर्स्ट डे बॉक्स ऑफिस कलेक्शन था 1.40 करोड़ रुपए और फिल्म का लाइफ टाइम नेट बॉक्स ऑफिस कलेक्शन था इंडिया का 77 करोड़ रुपए। बात करते हैं फिल्म के वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। तो इस फिल्म ने वर्ल्ड वाइड पे वो 134 करोड़ की कमाई की थी। फिल्म का बजट था 19 करोड़ रुपए और ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पे ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर साबित हुई और इस फिल्म को IMDb पे 7.2 की रेटिंग थी आउट ऑफ 10। अब बात करते हैं फिल्म्स के अवार्ड्स के बारे में कि इस फिल्म को कितने सारे अवार्ड मिले। तो इस फिल्म में सनी देओल को बेस्ट एक्टर का स्क्रीन अवार्ड मिला और साथ ही आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस का जी सिने अवार्ड मिला। फिल्म के बेस्ट एक्शन के लिए टीनू वर्मा को फिल्म फेयर अवार्ड मिला और स्पेशल परफॉर्मेंस के लिए अमीषा पटेल को भी फिल्म फेयर अवार्ड दिया गया। बात करते हैं फिल्म से जुड़ी बहुत सारी अननोन फैक्ट्स के बारे में। तो दोस्तों, इससे पहले हम आपको बता दें, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और अपनी डिमांड कमेंट करें, हम आपकी डिमांड में वीडियो जरूर बनाएंगे। तो बात करते हैं गदर एक प्रेम कथा से जुड़ी ही बहुत सारी अनसुनी और सच्ची बातें। तो फैक्ट नंबर वन, इस फिल्म की कहानी सोल्जर बूटा सिंह के जीवन पर आधारित थी। फैक्ट नंबर टू, सकीना के रोल के लिए 500 लड़कियों के ऑडिशन लिए गए थे और इन 500 लड़कियों में से अमीषा पटेल को सिलेक्ट किया गया। फैक्ट नंबर थ्री, इस फिल्म के बहुत सारे टिकट उस टाइम ब्लैक में बेचे जा रहे थे क्योंकि फिल्म उस टाइम बहुत बड़ी हिट थी। फैक्ट नंबर फोर, इस फिल्म के उस समय तकरीबन 10 करोड़ टिकट बिके थे जो कि उस समय बहुत बड़ी बात थी। फैक्ट नंबर फाइव, अमीषा पटेल से पहले सकीना का रोल के लिए काजोल को ऑफर किया गया लेकिन डेट्स ना होने के कारण काजोल ने यह फिल्म छोड़ दी और फाइनली ये फिल्म मिली अमीषा पटेल को। फैक्ट नंबर थ्री, तारा सिंह के रोल के लिए अनिल शर्मा ने पहले गोविंदा को लेना चाहते थे लेकिन उनकी फिल्म महाराजा फ्लॉप हुई जिसके बाद उन्होंने सनी देओल को कास्ट किया और गोविंदा को फिल्म से बाहर का रास्ता दिखा दिया। फैक्ट नंबर सेवन, ये फिल्म आमिर खान की फिल्म लगान के साथ क्लैश हुई थी और ये क्लैश बॉलीवुड हिस्ट्री की अब तक की सबसे बड़ी क्लैश मानी जाती है। इस क्रैश में सनी देओल की फिल्म गदर ने आमिर खान की फिल्म लगान को बहुत बड़ी अंतर से मात दी थी। फैक्ट नंबर एट, ये फिल्म सनी देओल और अमीषा पटेल की साथ में पहली फिल्म थी जिसके बाद दोनों तीसरी आंख और भैया जी सुपरहिट में नजर आए। फैक्ट नंबर नाइन, इस फिल्म से अनिल शर्मा के बेटे उत्कर्ष शर्मा चाइल्ड आर्टिस्ट के रूप में डेब्यू किया था जिसके बाद उत्कर्ष शर्मा ने 2018 में आई फिल्म जीनियस से अपना बॉलीवुड डेब्यू किया। फैक्ट नंबर 10, इस फिल्म के एक सीन में जब अमीषा पटेल से ट्रेन छूट जाती है तब वहाँ भीड़ में कपिल शर्मा भी मौजूद थे, तब वे एक टीनेजर थे। दोस्तों, ये था गदर एक प्रेम कथा पे हमारा एक स्पेशल वीडियो, क्योंकि फिल्म बहुत जल्द रिलीज होने वाली है और सेकंड पार्ट आपको बहुत जल्द देखने मिलने वाला है। तो क्या आप गदर 2 के लिए एक्साइटेड या फिर नहीं, कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं किसी और फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन या फिर किसी लेटेस्ट जानकारी में। जब तक के लिए बने रहिए, देखते रहिए एंटरटेनिंग फॉर यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।